लोगों का कॉन्सेप्ट यह है कि खजूर सिर्फ रमजान में खाई जाती है, लेकिन खजूर डेट जिसे बोलते हैं उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। आज मैं आपको उसके 8 मेन फायदे बताऊंगा। इस खजूर को एक पूरा का पूरा मील कहा जाता है, पूरी गिजा कहा जाता है कि अगर आप एक खजूर खा लें तो आप जो है आप खाने की जरूरत नहीं, खाना खाने की जरूरत नहीं है, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस। ट्रॉपिकल रीजन जो है आपके उसमें खजूर मिलती है और उधर बनती है, और वेस्टर्न जो ममालिक है आपके उसके अंदर जो है ये ड्राई हो जाती है, तो इसलिए उसे ड्राई फ्रूट बोलते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुरियां सी आ जाती है उस पर, उसको जो है ड्राई खजूर कहते हैं। खजूर जो है वो फाइबर में बहुत हाई होती है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या एडवांटेजेस है। और दूसरा ये है कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें होती हैं जो कि कैंसर को भी प्रिवेंट करती हैं, तो इसके मल्टीपल फायदे हैं, सिर्फ चंद एक नहीं। अब मैं आपको 8 ऐसे फायदे खजूर के बताऊंगा जो कि शायद आपको पता भी नहीं है और आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि इतनी एडवांटेजेस ये फ्रूट है। पहली चीज कि बहुत ही न्यूट्रिशनस है, जैसे कि हम बोलते हैं कि खजूर एक पूरी मील होती है, पूरी गिजा है, पूरा एक वक्त का खाना कह सकते हैं उसको, तो ये न्यूट्रिशनस बहुत होती है, इसमें काफी विटामिन है, मिनरल्स है इसके अंदर। कैलोरी इंटेक इसका थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा आप खजूर खाएंगे तो आपका वेट बढ़ सकता है, कैलोरी इंटेक इसका ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर ज्यादा होते हैं, प्रोटीन्स कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज्यादा लेने नहीं चाहिए, लेकिन ये हेल्दी है इसलिए इसको लिया जा सकता है। दूसरा फायदा इसका यह है कि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। फाइबर वो चीज है जो कि हम वीट में और ये जो हम भोसा और इस तरह की जितने भी चीजें हम लेते हैं उसके अंदर होता है, इसके अंदर भी फाइबर बहुत ज्यादा है। ब्राउन चीजों में फाइबर ज्यादा होता है, हम फाइबर लेते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, कब्ज नहीं होने देता, क्योंकि इसकी वजह से बाउल की जो मूवमेंट है, आपकी जो आंतें हैं ना वो जल्दी जल्दी मूव करती हैं और आपका जितना भी आपका पखाना है वो बाहर आता रहेगा और आपको कब्ज नहीं होगी इसकी वजह से, तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। दूसरी चीज इसी की वजह से फाइबर हाई होने की वजह से ये है कि आपकी शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहते हैं। खजूर जो है वो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे आती है, ये इतनी ज्यादा मीठी मीठी होती है लेकिन शुगर आपकी स्पाइक नहीं करती, तो ये फ्रक्टोज की वजह से फॉर्म होती है, तो इसलिए शुगर स्पाइक नहीं करती आपकी। एक चीज होती है हाई कैलोरिक, एक होती है हाई ग्लाइसीमिक, दोनों में बहुत फर्क है। मोटापा कराएगी हाई कैलोरिक, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका, तो ये आपकी शुगर लेवल की स्पाइक नहीं करेगी, तो ये आपकी शुगर को मेंटेन रखेगी, इंसुलिन को आपके मेंटेन रखेगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो कि आपकी कैंसर में हेल्प करते हैं फाइट करने में। एक चीज होती है फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं और उनको खत्म करने के लिए आपका ये पूरा मैकेनिज्म होता है, और ये सब कैंसर प्रिवेंशन, पूरी बॉडी में कहीं पे भी कैंसर है वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और अगर फ्री रेडिकल्स को आप खत्म करेंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाएंगे तो इस खजूर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि कैंसर प्रिवेंशन करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें फिग से और चीजों से, ड्राइड पाम से और इनसे, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है उन चीजों से कंपेयर करें, तो इस सब चीज की वजह से एंटीऑक्सीडेंट कैंसर प्रिवेंट हो रहा है और आपका दिल का जो अमराज है वो भी कम हो रहे हैं, आपको आंखों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम हो रही हैं, और आपके दिमाग में अल्जाइमर्स की जो बीमारी होती है आपकी ब्रेन के अंदर उसको भी ये कंट्रोल करता है, प्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। चौथी चीज, ये ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करता है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है आपके दिमाग की, क्योंकि इंटरल्यूकिन 6 एक चीज होती है जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है। अगर ये बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रही है, कोई भी डैमेज हो रहे हैं सेल्स, तो ये जो चीज होती है ना IL-6 इंटरल्यूकिन वो बड़ा होता है, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है, और इसी वजह से ही आपकी अल्जाइमर्स और ब्रेन में जो प्लेक्स होते हैं और आपकी रुकावट होती है उसको भी ये रोक देता है। पांचवी चीज ये है कि अगर प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में आप डेट्स का इंटेक रखेंगे तो आपका लेबर जो है, जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल डिलीवरी होती है आपकी लेबर जो प्रेगनेंसी की होती है, बच्चा निकलने की होती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपकी सर्विक्स जो होती है, जो अंदर यूट्रस के कोने पे एक चीज होती है सर्विक्स, उसको डायलेट कर देता है, खोल देता है, तो बच्चा जो है नॉर्मली बाहर आ सकता है, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और लेबर जैसे बोलते हैं ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप आखिरी जो आपकी प्रेगनेंसी के वीक्स चल रहे हैं उसमें आप खजूर का इंटेक जो है अपना बढ़ा के रखें। छठी चीज ये है कि ये एक सब्स्टिट्यूट है शुगर का, जो हम व्हाइट शुगर, शुगर चीनी डालते हैं उसका ये सब्स्टिट्यूट है। ये जो होती है चीज, ये शुगर से नहीं बन रही है, फ्रक्टोज से बन रही है, एक और चीज होती है उसका कंटेंट इसके अंदर हाई होता है, इसीलिए लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है इसका। तो अगर आप जो है ये लेंगे तो ये चीनी का सब्स्टिट्यूट भी बन सकता है, बहुत से लोग कॉफी में, खाने में, आपके मीठे में, दलिये में, कुकीज, इसकी मल्टीपल चीजें जो है ना वो खाते हैं, क्योंकि वो शुगर जो है आपकी बढ़ाएगी नहीं, फ्रक्टोज है इसके अंदर, तो आपकी लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, तो ये भी एक इसका फायदा है कि ये आपकी चीनी का अल्टरनेट भी हो। सातवीं चीज, ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हड्डियों के लिए आपको फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तीन चीजें चाहिए, और वो इसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में होती है, जिसकी वजह से आपके ये प्रॉब्लम हड्डियों के भी सेटल रहे। और आठवीं चीज लास्ट है लेकिन कम नहीं है, कि इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं, आप इसको सैलेड्स में डाल सकते हैं, आप इसको पीनट पे लगा सकते हैं, आप इसके स्प्रेड आते हैं इसकी जो है, आप इसके जैम्स भी आते हैं इसकी, आपको काट के आप किसी भी चीज में रख सकते हैं, नॉर्मली भी खा सकते हैं, तो ये इजी टू यूज है। कुकीज आती हैं इसकी, बिस्किट्स आते हैं उसमें आप खा सकते हैं, तो इजी टू यूज भी जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इसको इजी टू यूज समझ के अपनी डेली लाइफ के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। ये जो वीडियो थी, ये आपको जो खजूर के ऊपर हमने बताई, ये इसलिए बताई, ये लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि रमजान आया है तो खजूर खाओ और उसके बाद वो खत्म हो जाती है, लेकिन खजूर को आपकी पार्ट ऑफ बॉडी होना चाहिए, जैसे कि ये सारी नेचुरल चीजें हैं उस तरह खजूर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आपको यूज करना चाहिए डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन में।